जीवित भिक्षु की ही होगी। तब शांता ने यह बाधा कही कि जो काम लोगों को छोड़कर बेघर और प्रवचित हो गया है, जिसका काम भाव नष्ट हो गया है, जिसमें जन्म लेने की कामना क्षीण हो चुकी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। तो इस नमो तस्सा
तथागतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स पटिशंखा योनिशो पिंडपातं पटिसेवामि नेवदवाय नमोदाय न मंडनाय न विभूषणाय यावदेव इमस्य कायस्य ठीतवंशवेदनमाश्वादिष्यामि यात्रा समे भविष्यति अनवच्छता च पाशु विहारोऽचापि अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धापचायिनो चत्तार धम्मा वर्धन्ति आयुवर्णो सुखं बलं इच्छितं पतितं तुह्यं किप्पमेव समीक्षन्तु सर्वे पूरयन्तु चित्तसंकल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्वसम्पत्तिमेव च अतो निर्वाण सम्पत्ति विनाते समीक्षन्तु ऊपर की मंजिल पर चलिए, उसे साथ लेकर ऊपर चलिए। नीचे से दरवाजा बंद कर दिया। ऊपर पहुंचकर उसने 40 प्रकार के हाव भाव और स्त्री लीला दिखाना प्रारंभ कर दिया और उनसे कहा, आप भी युवा है और मैं भी युवती हूँ, अभी जीवन का आनंद ले लेते हैं, बाद में वृद्धावस्था में हम दोनों प्रवचित हो जाएंगे। और खेल को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सोचा कि मैंने ना आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उस समय शास्त्र गंधर्वी में थे, उन्होंने आनंद को भुलाकर उस भिक्षु वधि किया गया, फिर बाहर खड़े होकर के भक्ति को भोजन दिया, फिर धीरे धीरे उनके पास गया और फिर धीरे धीरे उनको अपने दरवाजे पर बुलाया, ठीक वैसे और ऐसे धीरे धीरे करके अपने घर तक भी बुला दिया। ठीक वैसे हम लोग भी काम धोख में लड़े हुए थे, जैसे उदाहरण से आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग तो सब ध्यान साधना करने जाते हैं, विपसेना करने जाते हैं, कितने लोग विपसेना नहीं किए हैं, हाथ उठाइए। लगभग बहुत लोग नहीं किए हैं। जो लोग किए हैं वो लोग अच्छी तरह से बात किए हैं कि नहीं। जब विपसेना करके घर में आते हैं तभी दोनों टाइम सुबह शाम एक एक घंटा ध्यान करते हैं, तो इससे कुछ दिन तक चलता है। कुछ दिन जाने के बाद फिर क्या होता है कि जो एक एक घंटा वो आधा आधा घंटा का दो टाइम हो जाता है, आधा घंटा ध्यान कर लेते हैं, तो इसे आधा घंटा ध्यान कर लिया, फिर धीरे धीरे कुछ दिन के बाद वही आधा घंटा भी छूट जाता है। सोच रहे कि आज चलो आज का दिन जाने दो, कल ध्यान करूंगा, तो ऐसे एक दो दिन के अंतराल में एक बार बैठ के ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है ये पूरा भी छूट जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं रहते हैं। हम लोग सब क्या करते हैं, सब हम लोग दुख भोगने के पीछे हम लोग भागते हैं। भागते ही नहीं भागते। कल का दिन धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस था। कोई धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस कहता है, कोई धर्म दीक्षा दिवस भी कहता है, कोई धर्मचक्र परिवर्तन दिवस भी कहता है। जिसको जो श्रद्धा है उसी हिसाब से उसी दिन को बुलाता है, एक नहीं। जैसे आप लोग यहाँ पर आए, बहुत लोग श्रद्धा में आए होंगे, बहुत लोग सोचे होंगे कि अरे आज का रविवार के दिन कोई काम नहीं, टाइम पास हो जाएगी, इसे भी कुछ हो जाते हैं। तो बोले मंत्रा बैठिए, मैं चाय बनाने के लिए जाती हूँ। तो आप चाय बनाने के लिए चले गए, मैं आपके घर में बैठा हूँ। आप जब चाय बना के लेके आए तभी आप देखे
कि आपके घर में जो सामान सब रखा हुआ है मेरे आसपास में, इसमें हाथ लगा रहा हूँ, उसमें हाथ लगा रहा हूँ, उसमें हाथ लगा रहा हूँ, आप हमको देख लिए कि मैं उसमें उसमें हाथ लगाया हूँ, फिर क्या होगा, आप चाय लेके आएंगे, मैं चाय पी लूंगा, फिर आपके साथ जो काम है या फिर जो बातचीत करना है उसको करके मैं वापस आ जाऊंगा। मेरे आने के बाद आप लोगों के मन में आएगा क्या किरण देशभक्त साहब, विद्यावती शंकवाल, अशोक गजवी जी, पुष्पलता पुष्पकला गजवी कालागढ़ और माधुरी रमी भोके, इनकी तरफ से आज रविंद्रनाथ का आने वाला जो संडे यानी 22 तारीख का अभी नाम केवल दो किया है, उषा दुपारे और संध्या गढ़वा। मैं आप लोगों से जितने भी लोग बिहार में बैठे हैं इनसे मैं निवेदन करता हूँ, जिनको भी वजनदार देना है यानी 22 तारीख का इसमें सम्मिलित होना है तो सम्मिलित हो सकते हैं, यदि नहीं होगा तो समिति ये काम करेगी, कार्यक्रम का एहसास रहेगा। अगर आप लोग इसमें सम्मिलित होंगे तो दुनिया का भागीदार आप लोग भी होंगे। लता ढोके 500 रुपये, माया सहारे 1000 रुपये, राहुल बागड़े जी 2000 रुपये, पुरुषोत्तम गायकवाड़ 1000 रुपये, चिंटू गजवी 500 रुपये, गुलाबराव डोंगरे 500 रुपये, विमला शेंडे 500 रुपये, और सामग्री जो दान आज प्राप्त हुई वैशाली गजबे, ये तो पहले भी नाम आ चुका है, वैशाली गजबे नीलू, वैशाली गजबे 5 किलो शक्कर, नीलू दुपारे 5 किलो आटा, वंदना बागड़े 10 किलो आटा, शांता इंदोरकर 5 किलो आटा, और कुछ नोटिस बोर्ड पे लिखे राहुल रंगानी की तरफ से शायद 2 बोरी आटा, 30 किलो शक्कर, और कुछ भी है तो कल प्राप्त हुई। वंदना देशभक्त 5 किलो बेसन, सोनम मंजारी 5 किलो शक्कर, रवि देशभक्त 1 दीपा तेल, प्रमोद गजबी गजबी 5 पैकेट दूध, पुना चहांदे 5 किलो आटा 2 किलो शक्कर, और सत्यकला वहाने 5 किलो शक्कर, ये अभी तक दान प्राप्त हुआ है। ये दान होने वाला घोषणा करी कुछ दिन में ये लोग दान इस बिहार में लाके देंगे, तो आज का जो कार्यक्रम है ये समाप्त हुआ, मैं ऐसे ही घोषणा करता हूँ। और गौर समाज शिक्षा जन कल्याण समिति के पुरुष वर्ग, महिला मंडल और युवा मंडल, इनसे कर्तव्य मेरा निवेदन है कि हम लोग प्रशिक्षण में मीटिंग चालू करेंगे ताकि जो वर्षावास का कार्यक्रम है कैसा संपन्न किया जा सके इसकी कार्य रूपरेखा तैयार करना है, तो आप लोग सब उठे ऐसी आशा मेरे लोग। आइए सब लोग आ जाइए ना, आप लोग आ जाओ, आ जाओ सब लोग। भावना
सके बुद्धा भगवता रुचिका मंत्रं वरं अरहंतानंत तेजेन रखं वंदामि सर्वशो भवतु सर्वमंगलं रक्खन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानां भाविनो सदाशिवभवन्तु ते भवतु सर्वमंगलं रक्खन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानां भाविनो सदाशिवभवन्तु ते भवतु सर्वमंगलं रक्खन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानां भाविनो सदाशिवभवन्तु ते और वर्तमान में बौद्ध समाज शाख समिति के अध्यक्ष इन्होंने आनाकारिक की दीक्षा ग्रहण की नागपुर में। बहुत सौभाग्य की बात है, हम इनको समिति की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और समिति की तरफ से इनको तो ये पॉपलेट ठीक है, आप लोग अपना मीटिंग चालू करिए। या समाधा लखन मिले कुंभारा परी तुर्दिमा या समाधा लखन मिले कुंभारा परी तुर्दिमा या समाधा तुझा कस
साधु साधु साधु।